गांधी चौक स्थित आदि दुर्गा मंडप में बुधवार को बड़े ही धूमधाम के साथ भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस बाबत मंदिर के पुजारी वीरेंद्र मिश्र एवं राकेश मिश्र ने बताया कि आदि दुर्गा मंडप की स्थापना लगभग 150 वर्ष पूर्व की गई और तब से इनके पूर्वज यहाँ पर माता की सेवा करते आ रहे हैं। हर वर्ष दुर्गा पूजा के बाद पूर्णिमा के दिन भंडारे का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें पूरे गिरिडीह के लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। भंडारे के सफल आयोजन में मुख्य रूप से आकाश सिंह, दीपक यादव, सचिन सिंह, अभिषेक स्वर्णकार, रवि पिलानिया, विजय पिलानिया, कुलदीप आदि लोगों का सहयोग रहा। हमारे पूर्वज यहाँ के पूर्व से ही पुजारी रहे हैं, अभी सातवीं पीढ़ी में लोग पूजा कर रहे हैं। 1700 कुछ ईस्वी में यहाँ पर प्रथम पूजा शुरू हुई थी, यानी मुगल काल के बाद, अंग्रेजों के काल से पूर्व। और उस समय यहाँ बिल्कुल झोपड़ीनुमा मंडप था, धीरे धीरे विस्तार होते होते आज इतना बड़ा मंडप बना है। यहाँ गिरिडीह में सर्वप्रथम पूजा शुरू किया गया, दुर्गा पूजा यहीं से गिरिडीह में शुरू हुआ है। और सर्वप्रथम मूर्ति फंसते समय यहाँ की मूर्ति फंसाई जाती है और पूजा सबसे पहले यहीं पर शुरू होता है। विजयादशमी को मूर्ति फंसाने के बाद आज पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्ष की भांति आज भी भंडारा हो रहा है। धन्यवाद। आदि दुर्गा मंडप का स्थापना लगभग 150 वर्ष पूर्व में ही किया गया है और 150 वर्षों से हमारे पूर्वज इसमें दो मतलब वंशज हैं, एक कुजनाथ मिश्र और एक कुरुकुराम मिश्र, जिनके पूर्वज अभी तक सातवीं पीढ़ी में अभी दीवेंद्र कुमार मिश्र और जितेंद्र मिश्र के द्वारा पूजा किया जा रहा है। और तब से अभी तक सातवें पीढ़ी में हम दोनों पूजा कर रहे हैं और माता का भंडारा आज के दिन पूर्णिमा के दिन किया जाता है और उसी हर साल की भांति इस साल में मैया का भंडारा किया जा रहा है और सभी भक्त प्रसाद पा रहे हैं।